अच्छा इंस्टाग्राम पे ना आई रिसेंटली पुट अ पोस्ट ऑफ माय मॉम मेकिंग कड़ा प्रसाद। सबने बोला भाई कड़ा प्रसाद कैसे बनता है, गुरुद्वारे जैसा। देखो गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद तो गुरुद्वारे में बन सकता है, लेकिन बनता कैसे है वो मैं बता सकता हूँ। इट्स एक्चुअली अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी, देयर इज नो रॉकेट साइंस टू इट। कॉलिंग एंड एक्शन। ये जो शब्द है ना कड़ा, ये कड़ा की जो है वो बड़ी अहमियत है, खास तौर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कड़ा की बड़ी अहमियत है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फूड दैट्स कुक्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाज ऑलवेज स्टर फ्राइड। तो कढ़ाइयों का इस्तेमाल हांडियों से ज़्यादा होता है, चाहे वो पंजाब हो, और जब कढ़ाई बड़ी हो जाए तो कड़ा बना दिया जाता है। और मज़े की बात पता है क्या, कढ़ाई जो है वो एक के ऊपर बराबर स्टैक होती है, चाहे एक साइज़ की भी। इसके लिए ज़्यादातर हलवाई जो थे वो हांडियों से ज़्यादा कढ़ाइयाँ लेके चलते थे। तो एक कढ़ाई, और जो हम लोग कढ़ाई पनीर कहते हैं, जो जो कढ़ाई खाना है, वो पंजाब और अर्स्टवाइल पंजाब का इसीलिए फेमस था बिकॉज वो कढ़ाई का इस्तेमाल बाकी जगहों से ज़्यादा, जितना इस्तेमाल कढ़ाई का पंजाब में होता है उतना कहीं नहीं होता। और जब कढ़ाई बड़ी होती है उसे कड़ा बोल दिया जाता है, कड़ा, राइट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कड़ा प्रसाद बनाने के, वो चाहिए एक कप, कोई भी एक कप ले लो। ये कप इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसी कप के बेसिस पे चार इंग्रेडिएंट जाएंगे। सो कड़ा प्रसाद में क्या होता है, शुगर होती है, आटा होता है, घी होता है और पानी होता है। एंड द फॉर्मूला इज सिंपल, सब कुछ एक 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 एक, बनाने की जरूरत नहीं है ना। जाऊं मुझे लगता था कि सिर्फ घी पे कहावतें जो है पंजाबी में होती है, मराठी में भी एक कहावत है घी पे, उसका मतलब यह है कि रहने को तो भूखे रह जाओ लेकिन जब खाओ तो घी के साथ खाओ। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इट्स द पंजाबी लव फॉर घी। अच्छा बड़े सारे लोग जो है ना वो इसमें नट्स डालते हैं, है ना, पिस्ता, काजू, बादाम, लॉट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, बट दैट्स नॉट द फिलॉसफी ऑफ अ कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद की फिलॉसफी सिंपल है कि कड़ाहे में बनाया जाने वाला प्रसाद जो कि जो जहाँ मिलता था वहाँ के हिसाब से इस्तेमाल हो जाता था। और गांव में गुड़ अक्सर मिलता है, आटा हर घर में होता है, घी तो पंजाब में वैसे ही बड़ा होता है, और पानी गुरुद्वारे में मिल ही जाता था। ठीक है ना जी, सिंपल, नो रॉकेट साइंस। पंजाब में ना खुरचने का कल्चर है, राइट, वेदर यू बॉइलिंग मिल्क यू आर ऑलवेज स्क्रेपिंग। आप हांडी में कभी खुरच नहीं सकते, राइट, बिकॉज साइड में लग जाएगा। एंड टू स्क्रेप यू ऑलवेज नीड समथिंग दैट्स राउंड। और पंजाब में हर वो कड़ी हुई चीज़ बोलते हैं भाई, ये कड़ी हुई है, वो कड़ी इसलिए क्योंकि वो कढ़ाई में डाली गई है और उसके बाद इट इज़ बीन स्क्रेप्ड, एंड दैट्स वेयर दिस टर्म कड़ा प्रसाद कम्स फ्रॉम। कड़ा हुआ, कढ़ाई, कढ़ाए में बना हुआ प्रसाद। तो कड़ा प्रसाद ना दो किस्म के लोग बनाते हैं, एक तो वो जो निस्वार्थ सेवा करने आते हैं, रूम वाणी मनी, वो सिर्फ सेवा ही करने आते हैं गुरुद्वारे, और वो बनाते हैं। कई बार लेडीज आती हैं, यू नो देर आर पीपल हु कम। और दूसरा वो बनाते हैं जो गुरुद्वारे के रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं। और मज़े की बात यह है वो रेगुलर एम्प्लॉय जो रोज़ कड़ा बना रहा है, ज़्यादातर उसके मुकाबले वो कड़ा जो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा करने आते हैं, जिनको यू नो एक लिमिटेड आइडिया है कि कड़ा प्रसाद कैसे बनता है, उनका कड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। यू नो व्हाई, बिकॉज वो भावना मैटर करती है ना, द फीलिंग मैटर्स। हाँ भाई, वासना होनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा लोग जब कड़ा प्रसाद घर पर बनाते हैं ना तो कलर परफेक्ट आता है, फिर जब गुरुद्वारे जाके बनाते हैं तो बोलते हैं यार बड़ा रणवीर डार्क हो गया था। उसका फॉर्मूला सिंपल है कि खाने के अंदर अपनी गर्मी होती है, जब आप क्वांटिटी में खाना बनाते हो ना, गुरुद्वारे में तो 5 किलो का 8 किलो का कड़ा प्रसाद बनाते हो, तो उसके अंदर की गर्मी उसको पकाती रहती है और उसका रंग जो है वो एक शेड दो शेड डार्क होता रहता है। सो व्हेनेवर कुकिंग इन अ क्वांटिटी ना, यू टू मेक श्योर के 5% 10% जब कलर कम आया हो तब पानी डाल दो, बिकॉज इट इज सो हॉट वो कलर अपने आप आ जाएगा, वरना वो कड़ा प्रसाद काला हो जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया।
ये गया पानी। हो गया ना गाढ़ा? अगेन एक कप पूरा डालना है। ये गया पानी, डाल के डरना नहीं है, बस चलाते रहना उसको, बिकॉज लंप फॉर्मेशन की यही अपॉर्चुनिटी, अगर अभी लंप बन गया तो फिर वो लंप बना रह जाएगा और लोग बोलेंगे यार मजा नहीं आया। आहा, आई खुशबू आई है? परफेक्ट, अभी हो गया बस। नहीं नहीं शक्कर है ना। अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि रणवीर घी कम कर सकते हैं क्या, तो उनको मैं यही बताता हूँ। देखो आप गुरुद्वारे में कभी भी आप कड़ा प्रसाद खाने जाओगे ना, तो आप अगर कड़ा प्रसाद हाथ में लोगे तो ऐसे घी यहाँ से गिरेगा, फिर आप कड़ा प्रसाद खाओगे और हाथ ऐसे ऐसे कर लोगे, वो जो कस्टम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो घी अगर कम करना है तो कर सकते हो, लेकिन वो फिर कस्टम नहीं होगा, वो द घी हैज टू ड्रिप फ्रॉम हियर व्हेन यू टेक द कड़ा प्रसाद, दैट्स जस्ट हाउ इट इज। कोई चाशनी पकाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ओ हो कड़ा प्रसाद के लिए चाशनी पकानी पड़ती है। इट्स बड़ी देहाती किस्म की कुकिंग है ये, यू नो, और देहाती किस्म की कुकिंग में कोई रिफाइनमेंट नहीं होता, कोई गुरुद्वारे में अलग से चाशनी नहीं बनाता। पानी डालते हैं और पानी डाल के जैसे ही एक बार ये क्लियर हो गया कि लम्ब्स नहीं आ रहे, उसी में गरम गरम शक्कर डाल दी, वो शक्कर अपने आप पिघल जाती है। वेरी नाइस जी, लुक एट दिस। तीन चीजें जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है किसी भी प्रसाद में। पुराने टाइम में भाई प्रसाद जो है वो दिन में एक बार बनता था, सारे दिन चलता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, खराब नहीं होना चाहिए, राइट? कड़ा प्रसाद में क्या है, घी है, बराबर से भुना हुआ आटा है और शक्कर है, खराब होने वाला कुछ नहीं है। इसीलिए यू डोंट इवन ऐड नट्स, खोया नट्स कुछ नहीं, बिकॉज इट हैज टू लास्ट फॉर द डे। दूसरी चीज, प्रसाद हमेशा तीर्थ यात्रा से वापस लेके आया जाता है, सो द प्रसाद हैज टू ट्रैवल, चाहे कहीं का भी प्रसाद हो, मंदिर का, गुरुद्वारे का। इसलिए शेल्फ लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए ज्यादातर प्रसाद में घी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा समय तक पकाया जाता है। बिकॉज पुराने टाइम में तीर्थ यात्रा में जाते थे, क्या होता था कि भाई प्रसाद लेके वापस आए, सो लॉन्जेविटी ऑफ द प्रसाद ऑलवेज मैटर्ड, राइट? एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर प्रसाद की रेसिपी सिंपल होती थी, क्योंकि ज्यादातर मंदिरों में वॉलंटियरिंग होती थी, मतलब आज कोई खाना बना रहा है, कल फेथ से कोई और खाना बना रहा है, तो अगर रेसिपी स्ट्रांग होगी ना, इफ द रेसिपी विन्स देन द फूड्स नॉट गोइंग टू बी टेस्ट, सो रेसिपीज वर सिंपल सो दैट फेथ कुड विन। देखो टेस्ट नहीं करूंगा मैं, अभी टेस्ट ही किया तो क्या फायदा, प्रसाद इज नेवर टेस्टेड, राइट? इट्स मेड प्योरली एंड प्योरली ऑन फेथ, और मजे की बात यह है दैट इवन विदाउट टेस्टिंग कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। एक्चुअली गलत भी क्या होगा, मतलब 1:1:1:1 में कोई कुछ गलत हो सकता है क्या? बट दैट्स इट, डू नॉट एक्सपेरिमेंट, 1:1:1:1। ये बहुत कम होता है वैसे कि रणवीर ऐसा बोल देता है कि डू नॉट एक्सपेरिमेंट, बट ये उन बहुत कम सिचुएशंस में से एक है। चलो जी, शाबाश। कोई गार्निश नहीं, कोई नट्स नहीं, कोई बादाम नहीं, कोई पिस्ता नहीं, कोई काजू नहीं, सिंपल सिंपल देसी चीज, देसी तरीके ना, ठीक है ना?